सत श्री अकाल जी। द खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब दी खबरां दे खास बुलेटिन दे विच मैं हरशरण कौर। पंजाब दी खबरां दे विच सब तो पहला आपां गर्मी दे कहर दी गल करांगे। मौसम विभाग ने पंजाब दे लई लाल चेतावनी जारी की है। IMD यानी कि भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ अते राजस्थान दे लई दो दिन दे खातर लाल चेतावनी जारी की है। लाल चेतावनी उन्हां इलाकों दे विच जारी हुंदी है जिथे जबरदस्त गर्मी पैण दी संभावना हुंदी है। सो अगले दो तीन दिन दे विच इन्हां सारे सूबयां दे विच पंजाब समेत तापमान है जिहड़ा पारा है 47 डिग्री सैलसीयस तक वध सकदा है। ते अगले पांच दिन के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, UP, MP, विदर्भ ते तेलंगाना दे विच लूआं ने जिहड़ियां ओह चल सकदियां ने, उहनां दी भी संभावना मौसम विभाग ने जारी की है। तो मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक जिहड़े लाल चेतावनी वाले इलाके ने जिन्हां दे विच पंजाब भी हैगा अपना, उहदे विच दुपहरे 1 बजे तो लैके शाम को 5 बजे तक जे तुसी घरों बाहर ना निकलो तो बहुत चंगा रहेगा थोड़े लिए। जे बहुत ज़्यादा एमरजेंसी ना हो दुपहरे 1 बजे तो शाम 5 बजे तक घरों बाहर ना निकलो। सो ये गर्मी के नाल जुड़ी हुई खबर है। दूसरा, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बयान दिता है कि जेडे पंजाब दे विच बाहरों आउणगे लोग बाहरले सूबों तो या फिर बाहरले देशों तो जेडे पंजाबी नागरिक ने पंजाब च आउणगे उन्हां नूं घबराउण की कोई लोड़ नहीं क्योंकि असी थोड़े लिए बहुत चंगे प्रबंध किए ने क्वारंटीन के, क्योंकि क्वारंटीन के रहना पवेगा 14 दिन के लिए। 7 दिन तुसी सरकार दे अंडर क्वारंटीन के रहोगे जिथे सरकार ने प्रबंध किया होएगा, पर पे तुसी खुद करना होएगा। तो 7 दिन जिहड़ा है उस तो बाद थानू अपने घर भी क्वारंटीन रहना होएगा। सो ये पालना तुसी जरूर करनी है, घबराना नहीं है, क्योंकि यह जी खबर आई ने जो अमृतसर एयरपोर्ट तो खबर आई सी लोग उतरे विदेश तो आए पर उन्होंने लैन ही नहीं गया। एक जिले की खबर सी कि उन्होंने जिला प्रशासन लैन ही नहीं गया एयरपोर्ट से, क्योंकि रूल ने कि उन्होंने सीधा एयरपोर्ट तो प्रशासन अपने अधिकार दे विच लएगी सारे पंजाबी नागरिकां नूं, सारे यात्रियों नूं, उन्होंने क्वारंटीन करेगी, फिर वो अपने घर नहीं जा सकते ने। हुण एयरपोर्ट तो आए लोगों उन्होंने घर के लैन नहीं जा सकते, इहोजीआं कुछ खबर सामने आईआं सी, तां करके शायद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं ये बयान देना पिया। पर बयान दे विच सच्चाई भी लुकी होनी चाहीदी है कि बयान जिहड़ा देता ਉਹਨੂੰ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਭਾਗ ਹੋਣ, ਉਹ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ, ਦੋਵਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਉਡਾਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਉਤਰੋਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਉਹ ਤੁਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਲ ਨਾ ਤੁਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ANI ਨੇ ਇਹ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪਰਤਣ 'ਚ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ 'ਚ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਈਪਾਸ ਰੋਡ ਅਤੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਘਾਟ ਦਿਖੀ ਹੈ, ਤਾਪਮਾਨ 42 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ
कितने भी जिहड़ी नागरिक इकट्ठे हुंदे ने लोकां दी भीड़ इकट्ठी हुंदी है जे उत्थे उन्हां नूं सही प्रबंध नहीं मिल रहा तो हल्ला गुल्ला मचदा ही है। सही प्रबंध देना सरकारां दी जिम्मेवारी है, प्रशासन की जिम्मेवारी है, लाठीचार्ज करना प्रशासन की जिम्मेवारी नहीं हैगी। पर इत्थे कीता गया धुप तो बचण दा भी इत्थे कोई प्रबंध नहीं सी। एक मजदूर ने दस्सिया कि उह पिछले दो दिनां तो लगातार अपनी स्क्रीनिंग करवाउण वास्ते आ रहा है पर उहदी हले तक वारी नहीं आई हैगी। अज भी पता नहीं उहदी वारी आई होएगी जां नहीं, इसका कोई पता नहीं है। मकान मालक ने किराया ना देण करके वह कह रहा कि घर खाली करन वास्ते भी आख दिता है, खाण पीण वास्ते कुछ नहीं, पर वह जल्दी घर परतना चाहते हैं। एक अज दा खालस टीवी ते असी खास रिपोर्ट कढ़ी है जदों साडी टीम जिहड़ी वह हिमाचल तो बिहार पैदल जा रहे सी मजदूर चंडीगढ़ दे विचों मिल गए साडी टीम नूं, तां असी गलबात कीती उहनां दे नाल। उन्होंने जिस तरीके दे नाल अपना अपनी मानसिकता उन्हां दी इस तरीके दी हुण हो चुकी है, इस जिहड़े घटिया सिस्टम ने कर दित्ती है कि वह सिर्फ ते सिर्फ अपने घर जाना चाहते ने। इत्थे जे उन्हां नूं रुजगार हुण कोई देना भी चाहे तां भी वह लैणा नहीं चाहते हैगे। वह कहिंदे असीं सिर्फ घर जाना हैगा, इत्थे असीं मर के भी रहना नहीं चाहते हैगे, असीं अपने घर जाते राह दे विच मर जाइए तां सानूं कोई दुख नहीं है, पर असीं इत्थे नहीं रहना चाहते हैगे। जो उन्हां नूं बेगानेपन दा अहसास होया इत्थों दीआं सरकारां दे वल्लों जां इत्थों दे लोकां दे वल्लों जो अहसास कराया गया उहनूं उह अपने मन दे उत्ते ते तन दे उत्ते हंडाउंदे होए तुर पए ने वापस। उहनां दी ट्रेन दी टिकट भी बुक नहीं होई हैगी तां की करनगे उह, घर दे कहिंदे साडे रोक रुला रहे ने, सो वापस जाणा ही इक्को इक हल है, मजबूरी दे असीं तुरे होए। उहनां ने इह वी कहा कि साडी मदद सिर्फ ते सिर्फ सिक्खां ने कीती है, होर किसे ने साडी मदद नहीं कीती। चंडीगढ़ दे विच वी अज दो सिख नौजवानां ने उहनां दी जिहड़ी मदद कीती हैगी है। खास रिपोर्ट तुसीं द खालस टीवी दे यूट्यूब चैनल ते देख सकदे हो। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सूबे दे सारे डिप्टी कमिश्नरां अते जिला पुलिस मुखियां नूं अज हदायत दित्ती है कि यकीनी बनाया जावे जिहड़ा भी प्रवासी मजदूर वापस जाना चाहुंदा है उसनूं सुरक्षित वापस भेजिया जावे। कोई प्रवासी मजदूर भुखा ना रहे ते ना ही उहनूं पैदल जाना पए। मुख्यमंत्री साहब ने तां इह हुकम दे दित्ता है, हदायतां दे दित्तियां ने, पर जमीनी पद्धर ते की हुंदा है उह असीं देखदे हां। ठीक है, पंजाब दे विच हालात ठीक हैगे ने, शुरुआत दे विच बड़े प्रवासी कामे ने जिहड़े उह तुर के गए ने, पर हुण ट्रेनां दा प्रबंध है जिहड़ा उह सरकार कर रही हैगी है। श्रमिक ट्रेनां ने जिहड़ियां उहनां दा प्रबंध कीता जा रहा है, पर उहनां दे खाण पीण रहण दा पानी पीण दा जां उहनां दी सेहत स्क्रीनिंग दा कोई खास वधिया प्रबंध नहीं देखण नूं मिल रहा। जलंधर दे विच वी बहुत वड्डी गिणती दे विच मजदूर हैगे ने, उहनां दी रोज़ आपां खबर पढ़दे हां सुणदे हां। मुख्यमंत्री कहिंदे ने कि जे कोई प्रवासी सड़क ते तुरदा जा रहा है तां उसनूं पुलिस अजिही नेड़ली थां ते छड्डे जिथे बस जां रेल सेवा होए, पर ये नहीं नाल कहा कि रेल जां बस ते उन्हूं बिना टिकट तो चढ़ा दिता जावे, बिना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो चढ़ा दिता जावे। क्योंकि सब तो वड्डी समस्या आ रही है इस वेले प्रवासी कामियां नूं कि उन्हां नूं ऑनलाइन रजिस्टर नहीं करना आ रहा, जे करना आ भी रहा है कर भी दिंदे ने तां उन्हां नूं कोई फोन नहीं आउंदा। ज़्यादातर लोगों की यह समस्या हैगी, तां क्यों नहीं इस तरह किया जाता कि तुसीं रेलवे स्टेशन पहुँचो, पहुँच के उत्थे जिहड़ा है सरकार प्रबंध करे उन्हां दे रहण दा, कोई टेंट वगैरह ला दिते जाण, फिर गिणती दे मुताबिक वारी दे मुताबिक उन्हां नूं ट्रेनां दे विच चढ़ा के भेज दिता जाए। जो किराया तो केंद्र कहिंदा कि असी 85% माफ़ करता, बाकी सूबिया ने भरना है। जो सारा किराया खर्चा जिहड़ा ट्रेनां दा उन्होंने कट्ठा ही देना है सरकारां ने, ट्रेना उन्हां तों टिकट लैनी ही नहीं है, तो फिर इह तरीका क्यों नहीं अपनाया जाता। मुख्यमंत्री ने प्रवासी कामियां नूं कहा कि तुसीं घबराओ ना, साडी सरकार तुहाडे नाल खड़ी है। यह भी कहा कि मन्निया कि पंजाब तुहाडी जन्म भूमि नहीं हैगी, पर तुहाडी कर्म भूमि है, तो असी तुहाडी पूरी जिम्मेवारी लैंदे हाँ। चंगी गल है जे मजदूरां नूं सही तरीके दे नाल उन्हां दे घर पहुँचा दिता जाऊगा। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे शहर पटियाला तो खबर है जिथे आम आदमी पार्टी दी जिला पटियाला इकाई ने सिक्ख्या मंत्री विजय इंद्र सिंगला दी कोठी दा घिराओ कीता। मंग यही सी कि पंजाब सरकार प्राइवेट स्कूलों वालों फीसां वसूलणियां बंद कराए, नहीं तो पार्टी वड्डा अंदोलन शुरू करेगी। पंजाब सरकार ने ऐलान किया होया, पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड ने भी ऐलान किया होया कि प्राइवेट स्कूल ने सिर्फ तो सिर्फ ट्यूशन फीस लै सकते हैं, पर प्राइवेट स्कूलों पर कोई असर ही नहीं। मुख्यमंत्री दे ऐलान दा कोई असर नहीं हैगा, वो अपने टेढ़े विंगे तरीके कढ के ट्यूशन फीस दे विच सारा कुछ जोड़ के नाम उहनूं ट्यूशन फीस दित्ता है, ते फीसां वधा वधा के लोकां नूं तंग कर रहे ने। हाई कोर्ट ने भी कल तां सगों प्राइवेट स्कूलों की हमायत कर दित्ती, कहा कि 70% फीस है जिहड़ी उह विद्यार्थियों तो वसूली जा सकती है। सो आम आदमी पार्टी कह रही है कि असीं विरोध करांगे। लुधियाणा तो खबर है जिथे
चीमा चौंक नेड़े आर के रोड ते धागे दी मिल दे विच अग लग गई। मिल भावें बंद सी पर मालक है जिहड़ा उह अहाते विच मौजूद सी पर बच के निकलण दे विच सफल हो गया। मिल दे विच एंट्री दा इक्को ही रस्ता सी, इक रस्ता सीगा, इस करके अग बुझाऊ अमले नूं काफ़ी दिक्कत आई अग बुझाउण दे विच। फैक्टरी विच अग बुझाउण दा कोई प्रबंध नहीं सी, मालक ने फायर ब्रिगेड तो NOC भी नहीं लई हुई सी। सो इन्हां खिलाफ़ कार्रवाई जरूर होनी चाहीदी है, क्योंकि आपां देखदे हां फैक्ट्रियां दे विच अगां लग जांदियां ने, जिहड़े मजदूर ने उह विचारे सड़ जांदे ने, मालक भज जांदे हुंदे ने। नडाला दे विच भी अग लगन की खबर है, जिथे किसानां दी लापरवाही के कारण खेतां विच नाड़ नूं लाई जिहड़ी अग सी उह एक स्कूल तक पहुँच गई, तो स्कूल दे विच लगे सफेदे दे रुख सी जिहड़े उह भी सड़ गए। साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह पब्लिक स्कूल दे विच करीब 10 एकड़ जमीन विच हज़ारां सफेदे लगे हुए सी जिहड़े उहनां नूं अग ने अपनी लपेट दे विच लै लिया। फायर ब्रिगेड पहुँचदी है तो उस तो बाद जिहड़ा हैगा अग ते काबू पाया गया। जदों फायर ब्रिगेड चली गई उस तो बाद अग है जिहड़ी कहिंदे फिर भड़क गई सी, ते स्कूल दे बाकी बचे रुख भी सड़ गए सीगे। हरियाणा दे सिरसा तो खबर है, जिथे पिंड जोधकां वासी ने मानसिक परेशानी दे कारण जहरीली चीज़ खा के खुदकुशी कर ली है। 50 साल दे सतबीर सिंह सीगे, कुछ दिनों तो परेशान सी, कोई जहरीली चीज़ खा के अपनी जीवन लीला समाप्त कर दिती है। हालांकि खुदकुशी दे मामले पहलां भी सामने आउंदे रहिंदे ने, पर जिस तरीके नाल माहिर ने इस समें दे अंदाजे लगा रहे ने कि आउण वाले दिनां दे विच, आउण वाले महीनियां दे विच, भविख दे विच खुदकुशियां काफ़ी हद तक वध सकदियां ने, क्योंकि लोक आर्थिक मंदी दे कारण स्ट्रैस दे विच आ रहे ने। 1 जून तो हर साल शुरू हुंदी है श्री हेमकुंट साहिब दी यात्रा उत्तराखंड दे विच, पर इस साल 1 जून तो यात्रा नहीं शुरू होएगी। करोना वायरस की महामारी का असर इत्थे भी पिया हैगा। गुरुद्वारा हेमकुंट साहिब दे आले दुआले दी बर्फ़ भी इस बार हटाई नहीं जा सकी, क्योंकि उत्थे संगत नहीं पहुँच सकी, सेवादार नहीं पहुँच सके, गुरुद्वारा साहिब नूं जाण वाले राह भी हले तैयार नहीं हैगे। हेमकुंट साहिब ट्रस्ट दे मीत चेयरमैन नरेंद्रपाल सिंह बिंदरा ने दस्सिया कि 31 मई तो बाद जदों जे लॉकडाउन हटेगा उस तो बाद ही यात्रा शुरू करन दे कोई विचार जिहड़ी हो सकदी है। पंजाब दीआं खबरां दे विच जांदे जांदे असीं तुहानूं इक अहम खबर जरूर सुणा के जावांगे, पंजाब दे नाल तां नहीं जुड़ी हुई पर एक कौमांतरी खबर है। दुनिया की सब तो डूंगी सोने की खाण है जिहड़ी, इस नूं अगले हुक्मां तक बंद कर दिता गया, क्योंकि इस खाण दे विच काम करन वाले 160 वर्कर ने जिहड़े कर्मचारी ने उह COVID-19 पॉजिटिव पाए गए ने। दक्षणी अफ्रीका दे विच द मपोनेंग गोल्ड माइन है, यह सब तो डूंगी सोने की खाण है पूरी दुनिया दे विच। इहदे विच जिहड़ा हैगा 22 अप्रैल नूं लॉकडाउन तो बाद 50% स्टाफ दे नाल काम शुरू होया सी, पर फिर जदों एक नियमां दे मुताबिक जदों इन्हां दा टैसट होया तां 160 वर्कर पॉजिटिव पाए गए ने। सो अगले हुक्मां तक इह बंद कर दित्ती गई है। तां जिहड़ियां सोने दीआं खाणां दे जिहड़े प्रबंधक ने उहनां ने स्पष्टीकरण दित्ता है कि इत्थे जिहड़ा है समाजिक दूरी वर्गे नियमां दी पालना औखी सीगी। इह वी खबरां मिलियां ने कि खाणां विच जदों काम शुरू होया सी तां वर्करां ने विरोध भी कीता सी, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग दे नियमां दी पालना नहीं रखी जा सकती। सो पंजाब दीआं खबरां विच इत्थे तुहाडे सब तो इजाज़त चाहवांगे, तुसीं सारे अपना ध्यान रखियो, दूसरिआं दी मदद जरूर करदे रहो। प्राइम टाइम दे विच रात नूं मिलांगे, धन्नवाद। धर्म राही सच के प्रचार के प्रसार नूं समर्पित सबसक्राइब करो साडा नवां चैनल द खालस TV धर्म।